पुलिस थाना अंतर्गत एक पोक्सो का मामला उजागर हुआ है, जहां एक 32 वर्षीय युवक ने 16 वर्षीय नाबालिग से अश्लील हरकतें की, जहां सीसीटीवी के हवाले आरोपी को हिरासत में लिया गया। दरअसल 3 अक्टूबर को शाम 4 बजे 16 साल की नाबालिग लड़की अपनी स्कूल बस से उतरकर अपने घर पर जा रही थी। उसी बीच आरोपी शैलेश यादव उम्र 32 वर्ष जो इंदिरा नगर का रहने वाला है, उसने पीछे से आवाज लगाई और खुद की पहचान बताते हुए कुरियर वाला होने का दावा किया। जहां मौके पर कुछ लोग मौजूद थे, लेकिन जैसे वह वहां से निकले, मौका पाते ही आरोपी युवक ने नाबालिग से अश्लील हरकतें करना शुरू कर दिया। नाबालिग के चिल्लाने पर आरोपी मौके से भाग गया। मामले की गंभीरता को समझते हुए नाबालिग के अभिभावकों ने मामले की शिकायत धंतोली पुलिस थाने में दर्ज कराई, जिसके संज्ञान पर कार्यवाही के दौरान सीसीटीवी खंगाली गई, जिसके आधार पर आरोपी को उसके इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग सेंटर ऋषि इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग सेंटर से गिरफ्तार कर लिया गया। जहां तफ्तीश के दौरान पता चला कि आरोपी के अभिभावक निरी से रिटायर है, लेकिन हर बार आरोपी नाबालिग लड़कियों को छेड़ता है और पश्चाताप के तौर पर मंदिर में जाकर अपना सिर पटकता है। नाबालिग लड़कियों को देखते ही आरोपी के मन में अश्लील ख्याल आते हैं, ये भी उसने पूछताछ के दौरान बताया, जिससे कि आरोपी के मानसिक स्थिति का अंदाजा लगाया जाता है। आरोपी पर पहले से ही कई पॉक्सो के गुनाह दाखिल है, उसी अनुरूप धंतोली पुलिस थाना अंतर्गत पॉक्सो के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसकी जानकारी दी वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक प्रभावती एकुरके ने। पोलीस स्टेशन धंतोली या ठिकाणी 3 ऑक्टोबरला एक अल्पवयीन मुलगी पोलीस स्टेशनला तिच्याबद्दल छेडखानी झाल्याबाबतची तक्रार प्राप्त झाली होती। सदर मुलगी ही शाळेतन स्कूल बस मधून उतरून घरी जात असताना घराच्या जे अपार्टमेंट आहे त्या अपार्टमेंटच्या पार्किंग मध्ये किसम आणि तिला आवाज देऊन कुरियर वाला आहे असं सांगून त्या मुलीची छेडखानी केली आणि अश्लील कृत्य करण्याचा प्रयत्न केलेला होता। त्यावरून पोलीस स्टेशन धंतोली या ठिकाणी 354 पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल झालेला होता। सदर गुन्ह्याची पार्श्वभूमी पाहता आरोपी जो आहे जो आलेला होता त्याचा चेहऱ्याला कपडा बांधलेला असल्यामुळे आणि त्या ठिकाणी आरोपी डिटेक्ट करणं हे एक चॅलेंजिंग काम होतं। त्या आरोपीच्या ज्या एरियामधनं आरोपी गेलेला आहे त्या एरियाचे सीसीटीव्ही फुटेज आणि तांत्रिक मदत घेऊन पोलिसांनी वेगवेगळ्या एरियातील जवळपास 50-60 शासकीय आणि खासगी सीसीटीव्ही कॅमेरेचे फुटेज चेक केलेले आहेत। फुटेज चेक केल्यानंतर सदर आरोपी हा घटनास्थळापासून वेगवेगळ्या मार्गाने जाऊन गांजा थेट हंसापुरी या परिसरात गेल्याचं दिसून आलेलं आहे। त्यानंतर आमच्या टीमने त्या ठिकाणचे जे लोकल कॅमेरे चेक केलेले आहेत, लोकल कॅमेरे चेक केल्यानंतर आमच्या टीमला हंसापुरी गांजा खेत या एरियातील एका इलेक्ट्रिकल्स दुकानामध्ये तो थांबल्याचं दिसून आलेला आहे आणि सदर दुकानामध्ये विचारपूस केली असता त्या दुकानदाराने सदर आरोपी हा लॅपटॉप आणि एसी दुरुस्ती करता आलेला होता असं निष्पन्न झालेलं आहे। त्या दुकानदाराकडून जी वाजवी माहिती मिळालेली होती आणि त्यांच्या पार्किंगमध्ये जी आरोपीने वापरलेली मोपेड गाडी होती त्याचा नंबर ट्रेस आउट करून संबंधित गाडी मालकाचा शोध घेऊन सदर आरोपीला ताब्यात घेण्यात पोलिसांना यश आलेले आहे। सदर आरोपी याचं नाव शैलेश भुजराज यादव, वय 32 वर्ष, सध्या तो इंदुरा एरियामध्ये राहतो। विचारपूस केल्यानंतर असं समजलं की सदर आरोपी हा अविवाहित असून त्याने यापूर्वी सुद्धा अशा प्रकारचे गुन्हे केलेले आहेत। त्याच्यावरती पोक्सो आणि 354 अंतर्गत वेगवेगळ्या पोलीस स्टेशनमध्ये सीताबर्डी, प्रतापनगर, कोतवाली, गिट्टी खदान या पोलीस स्टेशनला गुन्हे दाखल झालेले आहेत। प्रतापनगरच्या एका गुन्ह्यामध्ये त्याला सजा सुद्धा लागलेली आहे। अशा प्रकारचे आरोपीचं मोडस आहे, आरोपीला अटक करण्यात आलेली आहे, पुढील कारवाई पोलीस स्टेशन धंतोली करेल। दुर्दैव से देश की स्थिति लड़कियों के मामले में काफी चिंतनीय होती जा रही है। उसी के बीच ऐसे मनोविकृत अपराधियों द्वारा लड़कियों से किया जा रहा गैर व्यवहार काफी चिंता का विषय है। इस मामले के बाद यह देखना काफी रोचक रहेगा कि आखिर इस स्थिति को न्यायपालिका और पुलिस किस प्रकार से नियंत्रित करती है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ मनीष टिमरी की रिपोर्ट।